ये मजमुआ, ये मजलिस देखकर लग रहा है कि हर कोई आज़ाद होना चाहता है हर जुल्म से, हर नाइंसाफी से, हर झूठे वादों से, हर झूठे बातों से जो 5 साल से सपने सहते आए हैं। क्योंकि आज हमारा हाल ऐसा हो गया है जैसा आज़ादी से पहले था। उस वक्त भी बेरोजगारियां थी, आज भी बेरोजगारियां हैं। उस वक्त भी टैक्स थे, आज भी टैक्स। उस वक्त भी जुल्म ज्यादती थी, आज भी वही जुल्म ज्यादती। फर्क इतना है उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी, आज बीजेपी हुकूमत है। फर्क इतना है उस वक्त 100 साल लगे थे मुल्क को लूटने के लिए, आज 5 साल लगे हैं, सिर्फ 5 साल लगे हैं मुल्क को लूटने के लिए। अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबके तो नाम आप सब अच्छे से जानते हैं कि देश को जड़ से स्वच्छ करने में इनका हाथ रहा है। कैसी तबाही! अभी मोदी जी अपनी कुर्सी पर बराबर बैठे भी नहीं थे कि सारी देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। नोटबंदी में कितनी जाने गई, जो कर्ज लिए थे वो परेशान थे, जो कर्ज दिए थे वो परेशान थे, छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक सब बंद हो गए थे, गरीब लोग परेशान थे, हजारों किसानों की जाने गई, 4,500 किसान की जाने गई, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, सारा मुल्क तबाह, सारे मुल्क में तबाही मचा दी गई। और इसके बाद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कौन सा विकास? कुछ सड़कें बनाना विकास है? आज उन्हीं सड़कों पर सारी देश की जनता को लाया गया आरक्षण की मांग पर। आज उन्हीं सड़कों पर सारी खवातीन को लाया गया शरीयत में दखल अंदाजी देके। आज उन्हीं सड़कों पर आज गरीब सोता है, अपना गुजारा करता है, भीख मांगता है। क्या यह है विकास? और कहते हैं कि 60 साल में क्या किया है। छोटी सी बात है कॉमन सेंस की कि कांग्रेस अगर कुछ ना करती तो बार बार 60 साल तक लोग उसे मुंतखिब क्यों करते? क्योंकि सब जनता जानती है, अवाम जानती है, बात सामने है। क्योंकि इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क का अमन कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। आज देश में कैसी तबाही मचा दी गई है, हर एक ने अपनी अपनी सियासी पार्टी की दुकान खोल रखी है। ऐसी जालिम सरकार का आज हम पर साया है, आज इसे हटाना है। आपने देखा होगा कि परसों जो न्यूजीलैंड में नमाजियों पर हमला हुआ था, उसके बाद सारा मुल्क वो शर्मसार था, झुक गया था, एक यकजहती का माहौल था, झंडे झुका दिए थे, शर्मसार शर्मिंदगी में थे, हर तरफ सिक्योरिटी। लेकिन जब यहाँ 2002 में गुजरात में जो हमले हुए थे, खून की नदियां बह गई थी, औरतों पर जुल्म हुआ था, घसीटे गया था, औरतों की इज्जतें गई थी, मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, बूढ़े लोगों को, ज़ईफ लोगों का चेहरा खींच कर उन्हें मारा गया था, कई लोगों को जलाया गया था, वो चीख, वो पुकार, वो दर्दनाक हादसा, वो दिल दहलाने वाला हादसा जिसकी मौजूदगी में हुआ, जिसकी नजरों के सामने हुआ, जिसके गढ़ में हुआ, आज उसे प्रधानमंत्री का ताज पहनाया जाता है, आज उसे प्रधानमंत्री का ओहदा दिया जाता है। क्या ये वही मुल्क है जिसको हमारे अपने शहीदों ने आजाद किया था? क्या ये वही मुल्क है जिसको हमारे अपनों ने अपने खून से आजाद किया था? क्या हमने हमारे मुल्क की यही इज्जत बाकी रखी है? नहीं, आज हमारी सबसे बड़ी आज साजिश रची जा रही है तो वो मजहब का इस्तेमाल करके। एकजहती को तोड़ दिया जा रहा है, एकजहती को तोड़ डाला जा रहा है। आज हमें इसी एकजहती को कायम रखना है। और एक बात बताऊं, नांदेड़ में सबसे ज्यादा एकजहती है। मिसाल के तौर महापालिका में आप देखें तो अशोक चव्हाण साहब ने ऐसी एकजहती बनाई है, अगर महापौर की सीट पर हमारे मुस्लिम भाई होते हैं तो सभापति की सीट पर हिंदू भाई होते हैं, अगर महापौर की सीट पर हमारे हिंदू भाई होते हैं तो सभापति सीट के ऊपर मुस्लिम भाई होते हैं। ये एकजहती अशोक चव्हाण साहब ने हमारे नांदेड़ में हमेशा कायम रखी है। इसके अलावा नांदेड़ को जिस तरह से डेवलप किया है चव्हाण साहब ने, तो नांदेड़ की सबसे बड़ी रहमत है विष्णुपुरी डैम जो अल्लाह ताला ने बनाई है शंकरराव चव्हाण साहब के जरिए से। इसके अलावा हम तालीम के मैदान में देखें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सड़कें, ब्रिजेस, उर्दू घर, लाइब्रेरी, ये सारी बदौलत अशोक चव्हाण साहब की वजह से है। आज हम फैसले के मैदान में हैं। आज हमें ना समाज देखना है, ना मजहब देखना है, ना नाम देखना है, आज हमें पहचान देखना है, इंसाफ देखना है जो अशोक चव्हाण साहब को जाहिर करता है। आज हमें मुंतखब करके लाना है। आज हमें ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, आज सारे मुल्क की इज्जत, इस मुल्क का मुस्तकबिल है और ये सब आपके हाथ में है। और आज हम इसी
उम्मीद लेकर ये प्रोग्राम रखे हैं ताकि कांग्रेस की बुनियाद फिर उठे। और आखिर में मैं कुछ जज्बात सामने रखूंगी जो मैंने लिखे हैं पहले के इतिहास पर और आज के हालात पर कि किस तरह तोड़ दिया जा रहा है, वोट बांटने की साजिश रची जा रही है भड़कीले भाषणों से, जज्बाती भाषणों से। तो मैं सामने रखूंगी कि इस मुल्क को मिटा दे ऐसा तूफान कहीं नहीं, ये जहती जहां कायम हो ऐसा हिंदुस्तान कहीं नहीं। गुलामी सही जुल्म सहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी, गुलामी सही जुल्म सहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी, खून की नदियां बहा दी ऐसा गुलिस्तान कहीं नहीं। कुर्बान गए इंदिरा गांधी जी वो अपने थे इस तरह, कुर्बान गए इंदिरा गांधी जी वो अपने थे इस तरह, लहू से गुसल लिया हो ऐसा खानदान कहीं नहीं। है बराबर हिंदू भी मुस्लिम भी मस्जिद और मंदिर भी, दी इज्जत जो कांग्रेस ने ऐसा सम्मान कहीं नहीं। वो बीजेपी का वार है जिसने हक छीना अवाम का, गरीब ने दिया हो अमीर को ऐसा दान कहीं नहीं। गरीब लुट गए किसान गुजर गए उजड़ गई ये सर जमीन, गरीब लुट गए किसान गुजर गए उजड़ गई ये सर जमीन, कभी आसिफा तो कभी नजीब ऐसा मुल्क वीरान कहीं नहीं। राफेल छुपाया पैसा भगाया हद से गुजर गए इस कदर, राजनीति करते हैं उन पर चाहे वो शहीद जवान ही सही। तूफान तो थम गया लेकिन हवाएं हैं कुछ बाकी, अपने ही मुल्क से गद्दारी करे ऐसे सियासतदान कहीं नहीं। ये जोश ये जज्बात ये नफरत है ये खिलाफत है ये अपने ही पास रख, जो अपने ही मुल्क को तोड़ दे ऐसे मेहमान कहीं नहीं। अब ना खौफ है न जुल्म न धोखा हो गए हिंदुस्तान, कांग्रेस की बुनियाद फिर उठेगी अगर हो ये ऐलान।